मैं पैसा हूँ, मैं नमक की तरह हूँ जो ज़रूरी तो है पर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। मैं नई रिश्तेदारियाँ पैदा कर देता हूँ पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। एक्ट नंबर 2। वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके बाबा को कहा कि ये तो किसी बोध से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने US की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बहुत समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बोला।